भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और नोकझोंक वाला होता है। एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कितनी मर्जी लड़ाई और झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन दोनों कुछ ही देर में फिर से ऐसे बात करने लगते हैं जैसे उनके बीच कोई अनबन हो ही ना हो। लेकिन इस बार थोड़ी सी अलग है। पीलीभीत में जो कहानी सामने आई, वहां बड़े भाई ने छोटी बहन को चाकू से गोद डाला, लेकिन किस लिए अपनी बहन को चाकू से गोदा वो भी जरा देखिए। जिला पीलीभीत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर इस वक्त एक परिवार इमरजेंसी वार्ड के भीतर मौजूद है, जो खुदा से दुआ कर रहा है कि 22 साल की शबनम की जान बच जाए, डॉक्टरों की कोशिश रंग लाए और शबनम सही सलामत घर लौट आए। शबनम जख्मी हालत में पड़ी बेसुध नजर आ रही है, जिस पर दवा का असर हावी है। करीब बैठा परिवार हलकान दिख रहा है, जो जानता है कि शबनम किस अनहोनी का शिकार बनी। शबनम का पूरा चेहरा छलनी हुआ पड़ा है, तन पर पड़े कपड़े खून से दरबदर है। हकीकत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि शबनम पर नफरती वार करने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि अपना सगा है, अपना सगा सन बड़ा भाई रिफारत है, जिसने बहन शबनम के चेहरे पर चाकू से कई बार की, उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन शबनम खुशकिस्मत निकली। वो तो खैर मनाइए ऊपर वाले का, घर वालों की मौजूदगी में खौफ से भर देने वाली अनहोनी ने दस्तक दी, वरना भूल से भी शबनम अकेली रही होती तो आज शबनम की सांसें नहीं चल रही होती, बल्कि उसकी लाश के पास बैठा ये परिवार रोने पर मजबूर होता। यकीन ना है तो शबनम की बड़ी बहन शबाना की जुबानी सुनी कि बड़े भाई रिफाकत ने क्यों शबनम को जान से मारने की कोशिश की। छोटे भाई ने मुझसे छोटी बहन है, वो हर आए दिन पैसे मांगता है, कपड़े जलाता है, मारता तोड़ता है, मोहल्ले वालों को भी सबको पता है, तो डर के चक्कर में वो चाकू छुरी उठाता तो उसे कोई बचाने नहीं आता हम लोगों को, मोहल्ले में पता सबको है। आज मेरी बुआ का बेटा था, उसने बचाया, पैसे मांग रहा था, सुबह से 3-4 बार पैसे मांगे, उसने कह दिया नहीं है। शाम के टाइम पे बुआ और मेरी बुआ का बेटा, भाभी भी सब बैठी थी, उनके सामने पैसे मांगे, इसने कह दिया कि नहीं है, तो इसके थप्पड़ मारा, इसने ये कह दिया मुझे गालियां देगा मारेगा तो मैं पुलिस की बुलाऊंगी, फिर वो चाकू लेके मारने लगा। Music. अम्मी बोल रही है इतनी देर से? हाँ बता क्या कह रही है। वो ना मुझे पैसे चाहिए थे, पॉकेट मनी खत्म हो गई ना मेरी। हे भगवान, आजकल के बच्चों को इतनी पॉकेट मनी? मैंने तो दिए थे कुछ दिन पहले। कब दिए थे आपने मुझे? कितना टाइम हो गया दिए हुए? मैं बिल्कुल नहीं भूली भाई। अरे दे दो ना मेरे को, चाहिए पैसे। कितना चाहिए ये बता। ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2000 रुपए दे दो। ले, 2000 ही आए हैं कुल। या अल्लाह, अभी अभी पैसे दे के गए थे। अरे तो तुम्हारे पास तो और आ जाएंगे ना। वैसे चल कितने चाहिए, 1000 में काम चल जाएगा? नहीं नहीं 2000, बस 2000 ज्यादा थोड़ी मांग रही, 2000 दे दो ना। अरे तो दो दे दो ना तुम, किस चीज के लिए चाहिए ये तो बताएगी। अरे खर्चा पार्टी वार्टी थोड़ा हो जाता है खत्म। चल ठीक है, पूरे 2000 है। हाँ पूरा दे दो ना। चल अभी तेरे अब्बा ने दिए थे ये पैसे और इन्हें तू ले जा रही है, कोई नहीं, चल तू रख ले, देख के खर्च करियो। चल ठीक है, जल्दी आती हूँ। अच्छे से जाइयो। ठीक है ठीक है। चल ठीक भाईजान, कभी कुछ काम भी कर लिया करो, 24 घंटे गाने ही सुनते रहते हो। दिमाग मत खराब किया कर, जहाँ जा रही कुछ ना कर। पूरे दिन सोफे पे पड़ा रहता है, निखट्टू कहीं का क्या हो गया? क्या हो गया क्या? वो काम करती है, पढ़ रही है और तू निकल ले, ये क्या म्यूजिक सुनता रहता है ऐसे? अम्मी आप भी ना परेशान करती रहो। परेशान नहीं कर रही हूँ, तू कुछ कर लिया कर, पूरे दिन यही पड़ा रहता है। आप ना घर में भी चैन से नहीं बैठने। अल्लाह से तो डरा कर, तुम घर में नहीं रहो तो कहाँ रहो बताओ। अच्छा अम्मी पैसे दे। पैसे मेरे पास नहीं है, मुझे बाहर लाना। तुझे पैसे क्यों दूँ? उसको तो एक बार काम करता है, उसे तो तुम एक बार में दे देती हो। उसको मैंने इसीलिए दे दिए क्योंकि वो पढ़ने के लिए जा रही है। तो मैं भी घूमने जा रहा हूँ ना, मुझे। तू क्या करता है यार, पूरे दिन सोफे पे पड़ा पड़ा, बस ये म्यूजिक ये कान में तुलतुला लगाए रहता है। नहीं घूमने के लिए
पैसे नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ काम धंधा कर, लेकिन नहीं काम कर लूंगा ना पहले पैसे। क्या काम करेगा, इतने साल हो गए तू उससे बड़ा है। पैसे दो। नहीं मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। कोई फालतू की बात नहीं, तू अपना काम रास्ता ना चल, रास्ता ना मेरे पास पैसे नहीं है अभी बेटा, रास्ता ना अपना तू जा चल जा। वारदात वाले दिन शबनम का पूरा परिवार घर में मौजूद था। घर के भीतर बेगैरत भाई रिफाकत भी था, जो बहुत देर से जेब खर्च मांग रहा था, वो भी अपनी उस बहन शबनम से, जो उम्र में रिफाकत से बहुत छोटी थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि रिफाकत ने उम्र का ख्याल नहीं किया, बल्कि मुद्दा तो ये है कि अपनी मौज मस्ती के लिए भाई ने छोटी बहन शबनम से पैसों की मांग की, वो भी तब जब बड़ा भाई जानता था कि वो परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है, जो कुछ नहीं करता था, बस जेब खर्च की बारी आती तो छोटी बहन शबनम से पैसों की मांग करता, जिसकी मांग छोटी बहन पूरी कर देती थी। लेकिन भाई रिफाकत की बढ़ती मनमानियों से शबनम आजीज आ चुकी थी, और जब जालिम भाई ने पैसों की मांग तो भरी सभा शबनम ने पैसे देने से मना कर दिया। नतीजा सनकी भाई को शबनम का इनकार नागवार गुजरा, जिसने सनक का हथियार उठाकर उस बहन के चेहरे पर वार करने शुरू कर दी, जो भाई की डिमांड पूरी कर दी थी। तेरी मेरे ऊपर चाकू सीधा करा, फिर मेरी बुआ के बेटे ने चारपाई से उसे अलग कर दिया, मतलब चारपाई उठा के उसके ऊपर डाल दी, चाकू बाकू उसके हाथ से गिर गया तो मेरे नहीं लगा, फिर जब दोबारा उसने उठाया चाकू तब इसके लगा, और आज हद कर दी इसने, बहुत मारा उसके चाकू को, सब आपने तो देखे, गला उला फटा उसका सब। बढ़िया बढ़िया ठीक है। अरे तो तुम मेरे बैग में क्या कर रहे हो? अरे मेरे पैसे, अम्मी ने बोले थे लेने के लिए, अम्मी से बात कर। अम्मी ने अरे मेरे पैसे छोड़, तुम अम्मी से बात कर। भाई जान तुम क्या कर रहे हो यार, मेरे पैसे वो, अरे अम्मी से मैंने बोला था, अम्मी अरे अम्मी तुम पैसे दो, अरे अम्मी मेरे पैसे लेके चले गए। भाई क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे अम्मी भाई मेरे पैसे लेके चला गया, तुमने जो मुझे समय पैसे दिए थे वो भाई लेके चला गया मेरे से। क्यों? अरे मैंने तुम्हारे सामने भी आई थी ना, मैं मेरे पैसे से पैसे कैसे दे, अरे सुबह तुमने मुझे पैसे दिए थे, मैंने तुमसे पॉकेट मनी के लिए पैसे मांगे थे, वो मेरे पैसे छीन के भाग गया, मेरे पैसे दिलाओ उसे। या अल्लाह मैं इस लड़के का करूं क्या आखिर, तुम पैसे लेके आओ, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ मुझे काम है उन पैसों से यार, मुझे काम है, पैसे लाके लाओ, उससे बात करती हूं, ठीक है तुम मेरे पैसे लेके आओ। रिफाकत 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 ये लड़का मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, मैं इसका करूं क्या? अरे यार तू 5 मिनट बोल के 1 घंटे में आता है यार, क्या बात है खाने के लिए? पैसे लेने में देर हो गया यार, ऐसे नहीं होता यार, तू लेट कर दिया, तूने 1 घंटे में आता है यार, आ जा मूवी देखने, आ जा कोई दिक्कत नहीं, आ जा अभी चल। परिवार के लोग मौजूद ना होते तो सन की रिफाकत अपनी ही सगी बहन के खून से अपनी प्यास बुझा बैठता, लेकिन घर वालों ने किसी तरह से सन की भाई को रोक लिया। लेकिन इस बीच किसी पड़ोसी ने शबनम की मदद नहीं की, वजह भी दरिंदा रिफाकत है, क्योंकि रिफाकत की सनक से पूरा इलाका भी हलका है, जो उसकी बढ़ती मनमानियों के आगे आवाज नहीं उठाता, बस उससे बचने की कोशिश करता है, वरना एक घर में खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। पड़ोसी खामोश न रहते बल्कि मदद करने पहुंच गए। और कुछ पैसे का विवाद हुआ इनको, इसका भाई कुछ करता नहीं है और इसे पैसे मांगता रहता है इनसे, और आज पैसे मांग रहे तो इसके पास शायद पैसे नहीं थे, उस पर इसके भाई ने इसको चाकू मार दिया। क्या करिए, पैसे लेना
क्यों दूं पैसे मैं तुम्हें? देना बहुत जरूरी काम। तुम उस दिन लास्ट टाइम मेरे पैसे लेके चले गए थे ना, लौटाए तुमने मेरे पैसे? लौटा दूंगा इस बार। सर जाकर अम्मी से मांगो, ठीक है? तुमने मेरे पैसे उस दिन छीन लिए थे ना, और वो पैसे मुझे मिले भी नहीं। अम्मी तो नहीं देती ना, इसलिए बोल रहा हूँ, तुझे तो अम्मी दे देगी। देखो मेरे को ना बहुत सारा काम होता है, तुम तो सारे दिन घर में पड़े रहते हो, गाने सुनते रहते हो, मेरे पे और भी बहुत काम है बाहर से, ठीक है? मुझे कॉलेज जाना होता है, फीस फीस भी देनी होती है, खर्चा भी होता है। ले लियो ना अम्मी से फिर दोबारा। देखो मैं तो दे नहीं सकती, मेरे पे तो पैसे है ही नहीं। तुझे हराम के पैसे मिल जाते इसलिए तू ऐसे करती है ना। हराम के पैसे कहाँ से? नहीं दे रही मैं पैसे, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मुझे चाहिए पैसे। क्यों दूं? नहीं दूंगी। पैसे निकाल कर रहा मैं। अरे मैं क्यों दूं? पैसे क्यों नहीं दे रही? अम्मी अम्मी चुपचाप पैसे निकाल। नहीं दूंगी मैं पैसे, नहीं दूंगी पैसे। अम्मी भाई जान को देखो ना, अम्मी भाई को देखो ना, भाई क्या कर रहे हो? अम्मी तुम्हें एक बार से मार दूं, मैं सही बता रहा हूँ। चुपचाप पैसे तो मुझे जरूर काम नहीं देगी। पैसे दो मुझे, जान से मार दूंगा मैं, देगी कि नहीं? फिर मार दूंगा मैं दोबारा, सही बता रहा हूँ मैं। पैसे दो मुझे, जान से मार दूंगा मैं। भाई छोड़ो मुझे। करो ना पैसे दे तुम। अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या? करो ना पैसे दे, मार दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ, चाकू मार दूंगा मैं तुम्हें। मुझे ये ले। भाई छोड़ो मुझे। खूनी खेल की खबर इलाके में सनसनी का सबब बनी, तो हर किसी ने उस सनकी भाई को लानत भेजा जिसने बहन के चेहरे को खराब कर दिया। ये भी ना सोचा कि जिसका वो खून बहाने चला है वो बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, लेकिन उस जालिम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक के बाद एक कई बार की और चाकू का डर दिखाकर फरार हो गया। किसी तरह से शबनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां शबनम की हालत नाजुक बनी हुई है और परिवार की चिंता का कारण यही है कि अभी शबनम की जिंदगी को खतरा है जो मौत के सिरहाने लेटी हुई है। हमारे पास आई है तो सारी प्रूफ थी, उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट से गिरी हुई थी, इसको हमने मेडिकल किया इसका, उसकी सूचना पुलिस वगैरह में दी गई? नहीं, पुलिस पहले NCR करती है, उसके बाद ही हम मेडिकल करते हैं। पुलिस को पहले सूचना हो गई थी, उसके बाद हमने मेडिकल किया इसका, सारा ऑब्जेक्ट से गिरी है इसका। कौन से सर, कोतवाली क्षेत्र का मामला है? कोतवाली पूर्णपुर का मामला है। भाई बहन का रिश्ता प्यार से भरा होता है, दोनों में कहा सुनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर भाई बहन एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन कलयुगी भाई रिफाकत रिश्तों का दम घोट दिया। ये भी ना सोचा कि जिसका खून बहाने चला है वो उसकी फिक्र करने वाली बहन है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उस दरिंदे की तलाश तेज है जिसने रिश्ते को रुला दिया। सारिक परवेज, पीलीभीत समाचार। अगर आप भी अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं तो खबर यकीन मानिए आपके लिए ही है, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वहां शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले बच्चों के हॉस्टल में ही हैवानियत का घिनौना खेल खेला गया। जिला बांदा के अर्तरा के तथागत ज्ञान स्थली स्कूल का है, जो जनपद के महंगे स्कूलों में शुमार है और बच्चों की सुविधा के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूली जाती है, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षा के साथ अश्लीलता भी सिखाई जाती है। ये घिनौना राज तब संज्ञान में आया जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आधा दर्जन से ऊपर मासूम बच्चों ने बताया कि स्कूल के ही नौकर ने मर्यादा की हदें लांघी, बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ किया जो अश्लीलता करता है। मासूम छात्रों ने इसकी शिकायत वार्डन से की। मैं बाबा का रात को आते थे, हमारे साथ बदतमीजी करा करते, बाबा कल शाम को आते थे और हमारे साथ बदतमीजी करा करते थे, और वहाँ उसको एक बार बाल लो आ गए और अपने कहते थे, वंश कह रहा था कि
मैं सर के पास जाऊंगा तो मुझे छोड़ दो, वरना सर के पास जाएंगे या तुम नौकरी से निकल जाओगे। फिर सर के पास दूसरे दिन का कंप्लीट करना, सर बोल रहे थे वीडियो बनाया सर ने, फिर पेरेंट्स को भेजा था हमारे फिर हमारे पेरेंट्स को भेजा वीडियो, बाद में सुनाने आता था। अच्छा, वहीं काम करता था? कहाँ? तथागत में पढ़ते थे तुम? किस कक्षा के छात्र हो तुम? कक्षा 3। 3 के छात्र हो, तो कितने दिन रहे वहाँ तुम? एक महीना। एक साल। तथागत में वार्डन का काम करने वाले एक अध्यापक ने जब अश्लीलता की शिकायत प्रबंधन समिति से की, तो शिकायत करने पर स्कूल की प्रबंधन समिति ने उस अध्यापक को ही स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बच्चे दोबारा उस स्कूल में नहीं जाना चाहते, परिजनों के पूछने पर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। लेकिन बाद में मासूम बच्चों ने बताया कि रात के समय जब वो हॉस्टल में सोते थे तो वहाँ का चपरासी उनके साथ कुकर्म करता था। लेकिन हैरानी होगी आपको कि बसपा सरकार में मंत्री रहे और NRHF घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा का स्कूल होने के कारण कई अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम कटवा लिए, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत ना उठा पाए। लेकिन कुछ अभिभावक सामने आए तो तथागत ज्ञान स्थली की हैवानियत से पर्दा उठा। हमारा वो है, जैसे कि हम घर से आते हैं तो सामान वामान लिए रहते, तो वॉचमैन था वो। अच्छा, नहीं नहीं, वो पढ़ाता भी था अंदर। क्या वॉचमैन था? वार्डन में था। जैसे वॉचमैन ही होते, गेट एट को देखते रहते हैं कोई चोर ना आ जाए। वार्डन सुलाता भी था ना उधर अंदर, तो वॉचमैन थोड़ी सुलाता है आपको। वॉचमैन आता था, कहता था कि सो जाओ, वॉच ही बनाता था। वीडियो भी बनाया था, तो अकेले में बनाया था। किसने? आपने बनाया? सर ने, वार्डन सर ने। तुमने वार्डन सर को बताया था क्या? कई बच्चों ने बताया था, अलग अलग। किन्ने किन्ने बताया था? ये नहीं पता किसने बताया है। सर ने बुलाया है एक रूम में, तो मेरे को नहीं पता कौन कौन से रूम में बनाया। मामले का खुलासा तब जब 7 साल के एक विक्टिम ने 2 दिन पहले इस बारे में अपने परिवार वालों को बताया। इसके बाद कई बच्चों ने उनके साथ हुए हैरेसमेंट की शिकायत की। बच्चों का आरोप है कि हॉस्टल का केयरटेकर राम कृपा और बाबा अंकल हर रात उन्हें टॉफी चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में बुलाता था। इसके बाद उनसे अश्लील हरकत करता था, उन्हें धमकी देता था कि इसका किसी से जिक्र किया तो मार डालेगा। नाम नहीं बताया उसने, सिर्फ यही बताया कि मुझको जो है वहाँ से निकाल दिया गया है, और उन लोगों को जो संज्ञान में मैंने जिसको डाला है, प्रिंसिपल मैम को और वहाँ के प्रबंधकों को, तो वो मुझको उधर से निकाल दिया, और उसकी वजह से जो है मैंने आपको फिर सूचना दी है जब मैं बाहर आ गया हूँ, और वहाँ से मेरे ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था तो मैं इस वजह से वहाँ कुछ। अब कहाँ है आपका बेटा? इस समय घर पर है। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और इस तरह की जगह पर जो है बच्चों के साथ शोषण होता है, वहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ भी वहाँ घटित हो ये घटना। कितने बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ? ये जो उसमें वीडियो क्लिप में करीब 5-6 बच्चे हैं। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मामले को दबाने में लगा है, पुलिस भी कोई कार्रवाई करने की जगह उन्हें गुमराह कर रही है। जहाँ एक पीड़ित ने जब इस घिनौनी हरकत का पर्दाफाश किया तो बोर्डिंग संचालकों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उल्टे उसे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के दूसरे स्कूल का प्रबंधक बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पर भले कानून का शिकंजा कसा, लेकिन उनके रसूख के चलते पीड़ितों की शिकायत के बाद अब तक आरोपियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर वाकिफ हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने हद ही कर दी, इतना कुछ हो गया और मैडम को इस बात की भनक लगी। इसके बनोड़ भी नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर कुछ बात है तो मेरे पास आना चाहिए ना। ऐसे कोई बात है, अगर ऐसे बात आ गई तो हम उस बात को छुपाएंगे नहीं है। आप ये सोचो ऐसे गंभीर बात आएगा तो मैं भी और FC सर इस बात को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं है। कुछ उस प्रकार की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो नहीं, ऐसे कोई बात बदतमीजी कुछ ना ऐसे कोई जो आरोप लगा है, उसने एक भी बात मेरे पास आया नहीं है, एक भी बात मुझे कहा भी नहीं है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है बच्चों का,
ये सब मुझे कल ही पता चला है, मेरी तबीयत खराब थी, सबने बोला मैडम ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने बोली कहाँ से बात आ गई है, बात आएगा तो कुछ नॉलेज है, तो ऐसे कोई बात को हम छुपा थोड़ी देंगे। बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में जो बच्चे जो शैतान उसके बारे में कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं। लेकिन अब हिम्मत करने वाले अभिभावकों ने इंसाफ की गुहार लगाई है, जिले के पुलिस कप्तान समेत डीआईजी से कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस अफसरों ने महज जांच का भरोसा देकर परिवार को चलता। कुछ लोग हमारे सामने उपस्थित हुए थे नतर्रा के स्कूल में के बारे में, वहाँ के वार्डन के बारे में कुछ शिकायतें की हैं और उससे संबंधित कुछ दस्तावेज उन्होंने दिए हैं। उन दस्तावेजों की छानबीन करा कर उसमें जो भी विधिक कार्रवाई नियमानुसार संभव होगी, जो विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी विधिक कार्रवाई करेगी। साहब भरोसा ना, ये मासूम बच्चों की मासूमियत का सवाल है, अगर कुछ करना ही है तो दोषी स्कूल प्रबंधन समेत उस दरिद्र को बेनकाब करे जिसने कोमल हृदय वाले बच्चों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए। उनकी मासूमियत पर वो घिनौने जख्म दे डाला जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। मनोज गोस्वामी, बांदा, समाचार।